फलस्तीनी अधिकारियों और नागरिकों ने बुधवार को कहा कि उत्तरी गजा में बड़े पैमाने पर इसराइल के हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं, तथा हमास के साथ युद्ध के एक वर्ष बाद 3 अस्पतालों के बंद होने का खतरा है। भारी हवाई हमलों और इलाका छोड़ने की चेतावनियों के कारण सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। जबालिया में भीषण लड़ाई चल रही है, जहां इसराइली सेना ने युद्ध के दौरान कई बड़े अभियान चलाए और जब चरमपंथी एकजुट होने लगे तो सेना वापस आ गई। गजा शहर सहित पूरे उत्तरी क्षेत्र में भारी तबाही हुई है और पिछले साल के अंत से इसराइली सेना द्वारा इसे काफी हद तक अलग थलग करके रख दिया गया है। गजा में विनाश और मौत के चक्र की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को ही दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमले के साथ शुरू हो गई थी। इसराइल अब लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ एक सप्ताह से पुराने जमीनी हमले का विस्तार कर रहा है और ईरान पर एक बड़ा जवाबी हमला करने पर विचार कर रहा है। साल 1948 में इसराइल के निर्माण के समय से चले आ रहे शरणार्थी शिविर जबालिया के निवासियों का कहना है कि भारी हवाई हमलों और इलाका छोड़ने की चेतावनियों के कारण सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। लोगों के शव को अल अहली अस्पताल में ले जाया गया है। अस्पताल के अनुसार बुधवार सुबह हवाई हमले में 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार अस्पतालों पर भी खतरा है। गजा शहर में अल अहली अस्पताल के निदेशक फदील नईम ने कहा कि इस महीने के शुरुआत में इसराइल द्वारा हवाई और जमीनी अभियान शुरू किए जाने के बाद से फलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तरी हिस्से से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना मिली है।